अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड फोर की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सबक अच्छी कहानी की सरगर्मियाँ करवाई हैं। सवाल मैंने आप लोगों को दिए थे तीन करने के लिए कि कहानी कुरान मजीद की किस सूरत मुबारक में बयान की गई है, बाप की क्या अच्छी आदत थी, बाप वाले आदमी के बेटे क्यों खुश थे। ये तीन सवाल आप लोगों को मैंने घर से करने के लिए दिए थे। आज मैंने आप लोगों को मजीद सवाल करने के लिए दिए हैं कि बेटे को क्या जाता था, वो बाप से अगर क्यों हैरान परेशान हो गए, उनकी नी बुरी नीयत की अल्लाह तआला ने क्या सजा दी, इस कहानी कोई मुनासिब उनवान दे। ये वाली आप लोगों को सवाल करने के साथ ही साथ आप लोगों को सफ़र नंबर 70 पर कहानी का मरकजी ख्याल आप लोगों को लिखना है कॉपी में, और ये दिए गए अल्फाज जो हैं इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये अल्फाज जैसे दो अल्फाज को एक ही जुमले में इस्तेमाल करें। जैसे गरीब मस्किन है, बीमार तंदुरुस्त है, जदा सदा है, नेक खुदा कर से आगे तूफान है। ठीक है, यानी हमें गरीब और मस्किन लोगों की मदद करते रहनी चाहिए, फिर बीमारदारी करने से वो तंदुरुस्त हो जाता है। अल्लाह ताला आखिरत में हमारे हर अमल की जजा और सजा देगा। नेक और खुदा तरस लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। आंधी हो या तूफान, हमें लोगों की मदद करते रहना चाहिए। अब आप देखें के और के का बड़ी के काफ है के का इस्तेमाल देखें, बुक में ही करना है। डेट डालेंगे आज आप लोगों को, आज की डेट है 26 जनवरी 2021। उसने कहा कि मेरे अब्बू के पास बहुत सी किताबें हैं। शाहिद के नाम में ईद के दिन उसे दीदी का बड़ी के आएगा दोनों में। मुझे अंदाज़ा था कि तुम कहोगे कि मैं तुम्हें रही घर आ रहा था, दोनों में काफ़ी के आए। मेरे भाई ने बताया कि उसके दोस्त के नंबर 6 आए हैं, पहले में काफ़ी के आएगा, बाकी में काफ बढ़ेंगे। मुर्गी के बच्चे ऐसे प्यारे लग रहे थे कि उन्हें देख कर दिल चाहता था कि अपने घर ले जाओ। ठीक है, इस तरह से के और काफ बढ़िए के और काफ़ी के का इस्तेमाल है जो हमें किताब में ही करना है। अब यहाँ देखें रतमोज़ा का ख़त्मा। उर्दू ज़बान में मुकम्मल जुमले के बाद ख़त्मा लगाया जाता है। याद रखिए, उर्दू का ख़त्मा अंग्रेज़ी के फुल स्टॉप के मुताबिक होता है, यानी हम अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप लगाते हैं, उर्दू में ख़त्मा यानी डैश लगाते हैं। मिसाल क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पर देखें हम ख़त्मा लगा हुआ, जुमला मुकम्मल हुआ, ख़त्मा लगा दिया। बच्चे खेल चुके हैं, ख़त्मा लगा। दूसरा है सकता, इसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। ये छोटा मुख्तसर सा वक्फा है जो आमतौर पर जुमले में तीन या तीन से ज़्यादा इसमों के दरमियान लगाया जाता है। मिसाल, याद रहे और या के बाद सकता नहीं लगाते। जब और या का इस्तेमाल करो सकता है। अली, उमर और उस्मान अच्छे दोस्त हैं। यहाँ के सकता, यहाँ के ख़त्मा। सेब, अमरूद, अनार और खजूर सब अल्लाह की नेमत। यहाँ के सकता, यहाँ के सकता और यहाँ क्या ख़त्मा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। पंजाब और सिंध के बाद आएगा सत्ता और आखिर में आएगा ख़त्मा। खरगोश, बिल्ली, कछुआ और भालू दोस्त थे। एक लोमड़ी भी उनसे दोस्ती करना चाहती थी। खरगोश और बिल्ली के बाद आएगा सत्ता और आखिर में आएगा ख़त्मा। ईद के दिन अम्मी ने शेर खुरमा का शामी कबाब, दही बड़े और ताज़ा फलों से मेहमानों की तवज्जो की। शेर खुरमा और शामी कबाब के बाद आएगा सत्ता और आखिर में आएगा ख़त्मा। साइकिल, मोटरसाइकिल, रक्षा और कार के आगे शीशे ज़रूर लगे होते हैं। साइकिल और मोटरसाइकिल के बाद आएगा सकता और आखिर में आएगा ख़त्मा। मेरे वस्ते में उर्दू, इस्लामिक, अंग्रेज़ी और सहाफ़ी किताबें हैं। इनके अलावा कॉपियाँ, पेंसिल, तराश, रबड़, डिबिया भी रखी हुई है। उर्दू और इस्लामिक के बाद सकता आएगा, कॉपियाँ, पेंसिल, तराश के बाद सकता आएगा और आखिर में आएगा ख़त्मा। इस तरह ये आप लोगों का सबक जो है आज मुकम्मल। आज की डेट ज़रूर डालिएगा, काम मुकम्मल कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और यकीन आप लोगों को सारी चीज़ें बसानी समझ आ गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।